नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। ये तस्वीरें देखी आपने, ये जो तस्वीरें हैं इनमें जो ये शख्स है जिसको पुलिस इतनी कड़ी सुरक्षा में ले जा रही है, वो कोई आतंकवादी नहीं है, ना ही कोई खूंखार अपराधी है, ना ही उसने हत्या की है, ना मर्डर किया है। इनका जुर्म सिर्फ इतना है कि ये एक पत्रकार है और ऊपर से मुसलमान है। जी हाँ, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मोहम्मद जुबैर की है, जिनको आज सीतापुर कोर्ट में पेश किया गया। वहाँ पर इनको फिर से 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। मामला ये था कि यूपी में जो बजरंग मुनि थे, जिन्होंने खुले तौर पर मुस्लिम महिलाओं की रेप की धमकी दी थी, उनको इन्होंने हेट मोंगर लिख दिया था। यति नरसिंहानंद को इन्होंने हेट मोंगर लिखा था। बस इतनी सी बात थी कि चोर को चोर कहना और अपराधी को अपराधी कहना इनको भारी पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ रोहित रंजन जैसे पत्रकार खुले तौर पर एक नेता की बाइट चला देते हैं, साफ साफ झूठ बोलते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। उनको जब पुलिस पकड़ने आती है तो योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उनको बचाने में जुट जाती है। तो आप अंदाजा लगाइए। कल खबर आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में रोहित रंजन के वकील ने कहा जज साहब से, जज साहब रोहित रंजन के खिलाफ तमाम एफआईआर दर्ज हुए देश के कई राज्यों में, तो उनको एक जगह किया जाए और उस पर सुनवाई हो। तो माननीय जज साहब कहते हैं कि हम आपकी सुनवाई कल करेंगे, लेकिन पता चलता है उनके वकील कहते हैं रोहित रंजन के माननीय जज साहब अभी हमने याचिका दायर ही नहीं की। अब आप समझिए, यानी के रोहित रंजन के वकील याचिका दायर भी नहीं करते और सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनको उनका केस सुनने को तैयार हो जाते हैं, उनकी तारीख दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मोहम्मद जुबैर हैं, जिन पर पहले एफआईआर हुई थी कि उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत की हैं। आहत क्या की थी? 1983 में एक फिल्म आई थी जिसका उन्होंने एक सीन का स्क्रीनशॉट लेकर ट्वीट कर दिया था। अब वो जो स्क्रीनशॉट था वो सेंसर बोर्ड से पास था, तमाम लोग उस फिल्म को देख चुके थे, लेकिन मोहम्मद जुबैर पर भावनायात करने की एफआईआर हो जाती है और जो ट्विटर हैंडल एफआईआर दर्ज कराता है बाद में वो ट्विटर हैंडल ही गायब हो जाता है। आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर के तमाम राज्यों में एफआईआर दर्ज है लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। रोहित रंजन के खिलाफ वारंट लेकर जब पुलिस जाती है तो उनको बचाने यूपी पुलिस पहुंच जाती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर जो फैक्ट चेकिंग के जरिए बीजेपी का आरएसएस का प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, उनको हिरासत में भेज दिया जाता है। अब सुनने में आ रहा है कि उनके ऊपर विदेश से फंडिंग लेने के अभी केस चलेगा, उसकी भी जांच होगी। वहीं दूसरी तरफ सीतापुर में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है कि उन्होंने बजरंग मुनि और यति नरसिंहानंद जैसे जो हेट मोंगर हैं उनको हेट मोंगर लिख दिया था। अब आप बताइए, अपराधी को अपराधी कहना और चोर को चोर कहना कितना बड़ा जुर्म हो गया है। बजरंग मुनि की वो वीडियो आपने सबने देखी होगी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, उसके लिए उनको एक दिन जेल भी जाना पड़ा था कि जिस तरीके से वो मुस्लिम महिलाओं के रेप की धमकियां दे रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, जुबैर के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है क्योंकि जुबैर सच दिखाता था। तो ये तस्वीरें आज जुबैर के कोर्ट परिसर की है जहां पर उनको पेश किया गया और आज फिर से उनको 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। तो ये हमारा लोकतंत्र काम कर रहा है। इसी लोकतंत्र को लेकर आज जर्मनी में, जर्मनी के जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने भारत पर तंज कसा है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से है कि आज जर्मनी भारत पर तंज कस रहा है, जो कहता है कि जो भारत अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश मानता है वहां पर पत्रकारों को जेलों में डाला जा रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी को बंद किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जा रही है और जो सच बोलता है उसको प्रताड़ित किया जाता है। ये देखिए, मैं आपको बता दूं, मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर यूएन की आपत्ति और भारत का जवाब। ये मामला यूएन में भी उठा था, जो एंटोनियो गुटेरेस हैं जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने भी इस बात को कहा था, किसी भी देश में
अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता निश्चित होनी चाहिए, यानी कि कोई भी देश या स्टेट उनको दबा नहीं सकता, क्योंकि एक पत्रकार का काम है सच्चाई दिखाना। यूएनओ में भी ये मामला उठा था। इसके अलावा जब मोदी जी जर्मनी गए थे G7 समिट में, वहां पर वो अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता पर बात कर रहे थे, लेकिन उसी दिन दिल्ली में दिल्ली पुलिस जुबेर को गिरफ्तार कर जेल में डाल दी थी। आप अंदाजा लगाइए, और वो तस्वीरें आपने देखी थी जिस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस ने उस खबर को छापा था, पब्लिश किया था। इसके अलावा जब नरेंद्र मोदी जर्मन के दौरे पर थे तो उन्होंने वहां पर पहले ये बता दिया गया था कि हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो जर्मन के चांसलर थे और मोदी जी की जो साझा कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मैं किसी से भी सवाल नहीं लूँगा। यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो विदेश में जाके करते हैं, लेकिन वहाँ भी वो पत्रकारों से सवाल नहीं लेते हैं। आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो पत्रकारों से, मीडिया से, ये जवाबदेही से कितना बचते हैं, कितना भागते हैं। आज इसी की बदौलत है कि भारत जो है प्रेस इंडेक्स में और फ्रीडम ऑफ स्पीच में 150वें स्थान पर है, लेकिन हम लोग दुहाई देते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी की। इसी के बहाने जर्मनी ने आज भारत को घेरा है और साफ साफ कहा है कि हमारी नज़र और यूरोपियन यूनियन की नज़र भारत पर है। जिस तरीके से भारत में पत्रकारों को अरेस्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों को जेल में ठूसा जा रहा है, कि हमारी इन सब मामलों पर नज़र है और हम यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर मानव अधिकार के लिए भी काम कर रहे हैं, और हम ये तय करेंगे कि भारत सरकार ये तय करे कि वहाँ पर मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो और अभिव्यक्ति का आज़ादी का उल्लंघन ना हो और पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला ना हो। तो ये बड़ी खबर थी कि आज मोहम्मद जुबैर को एक दूसरे मामले में यूपी में सीतापुर में उनको जेल भेज दिया गया है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। तो कितना कठिन है पत्रकारिता करना, ये आप सब जानते हैं। सिद्दीकी कप्पन जो हाथरस के लिए स्टोरी करने गए थे, उसकी खबर दिखाने गए थे, उनको रास्ते से ही उठा लिया जाता है, और आज 1.5 से 2 साल हो गए हैं, आज भी वो जेल में हैं, उनकी बीवी बच्चे बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये खबर थी कि किस तरीके से आज अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता पर जोर जबरदस्ती की जा रही है, उस पर रोक लगाई जा रही है और सच्चाई को रोका जा रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।